आने वाला जो विधानसभा चुनाव देख रहे हैं 2023 में, अब वहाँ पे युवाओं पे ज्यादा फोकस कर रही है बीजेपी पार्टी, तो इस बार क्या लग रहा है कि आपको युवाओं को सबसे ज्यादा जो टिकट मिलेगी, तो जो पहले के जो लोग हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर उनको हटाया जाएगा तो क्या टिकट, मतलब जो वोट बीजेपी के कटेंगे या नहीं कटेंगे, या लोग सब साथ मिलकर काम करेंगे? देखिए, ये प्रश्न जो है ये आपका अच्छा प्रश्न है और इससे भाजपा की पृष्ठभूमि को आधार मान करके आपको इसका उत्तर मिलेगा। भाजपा हमेशा एक वैचारिक पार्टी है, हमारे पास कोई जातिगत, कोई अन्य प्रकार से क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के आधार पर वोट बैंक नहीं है। हमारे विचारों का वोट है हमारे पास, जो हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं वो हमें वोट करते हैं, हमारा समर्थन करते हैं, हमारे साथ चलते हैं। और भाजपा की हमेशा ये पद्धति रही है कि वो समय समय पर नई भर्ती, नए चेहरों को मौका, एक नई पीढ़ी का निर्माण भारत में होता रहे और नई लीडरशिप खड़ी होती रहे, उसके लिए काम करती है। आप सारे स्टेट्स के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव सारे उठा के देख लीजिए, आपको 1% कुछ हिस्सा जो है आपको नई पीढ़ी का उसमें मिलेगा। रही बात हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, हमारे जो वरिष्ठ नेता है, वो सब मिलकर के काम करते हैं। भाजपा सामूहिक रूप से काम करने में विश्वास रखती है, ना कि व्यक्तिगत। आप देखिए, राजस्थान में कांग्रेस में दो चेहरे, अशोक गहलोत और पायलट, अब किसी को जाना हो तो इनके पास ही जाए, लेकिन भाजपा में एक संगठन तंत्र है। भाजपा में व्यक्ति बाद में आता है, पहले संगठन आता है। वहां पे व्यक्ति पहले आता है, संगठन बाद में आता है। ये जो वैचारिक अंतर है ना, जो कार्य पद्धति का अंतर है, ये अंतर भाजपा को आगे लेके जा रहा है, निरंतर बढ़ा रहा है। युवाओं को मौका देने से वरिष्ठ लोग कभी नाराज नहीं हुए, क्योंकि कभी वो भी युवा थे जब उनको मौका मिला। तो प्रोग्रेसिव पार्टी है, तो आगे नई पीढ़ी को लाने के लिए भाजपा हमेशा से काम करती रहती है।